नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में बदलेगी कार्य संस्कृति। इस दिन तक 27 ट्रेनों का रूट बदलकर किया जाएगा परिचालन। वेटलैंड को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इन जिलों का हुआ चयन। लालू के करीबी वो पूर्व विधायक पर सीबीआई का शिकंजा। आज पूरा देश मना रहा है मिसाइल मैन की पुण्यतिथि। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में बदलेगी कार्य संस्कृति। बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालयों के लेट लतीफी से विद्यार्थी काफी परेशान हैं। लाखों की संख्या में ग्रेजुएशन कर रहे छात्र परीक्षा के आयोजन और रिजल्ट प्रकाशित होने की लेट लतीफी से परेशान हैं। ना जाने कितने विद्यार्थियों ने समय तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाने की वजह से बड़े परीक्षाओं के आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर विद्यार्थियों ने कई बार प्रदर्शन पर नाराजगी भी जाहिर की है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षा विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगते। हालांकि लेट सेशन से खफा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है, सत्र को किसी भी हाल में नियमित करना होगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हमने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। यूनिवर्सिटी में सेशन लेट की समस्या को बैठक में रखा गया है। आज पूरा देश मना रहा है मिसाइल मैन की पुण्यतिथि। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत के 11वें एवं पहले गैर राजनीतिज्ञ और सबसे अधिक पढ़े लिखे एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा भारत देश की प्रगति के लिए किए गए महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कामों की वजह से आज भी देश उन्हें याद करता है। उनके प्रति आज भी सभी देशवासियों के हृदय में अपूर्व सम्मान है। वे जनता के सबसे चहेते और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम के धुनशकोड़ी गांव में एक मछुआरे के घर में एपीजे अब्दुल कलाम जी जन्मे थे। वहीं उनका निधन आज ही के दिन 27 जुलाई साल 2015 को मेघालय के शिलोंग में हुआ था। 2024 तक इन 30 सड़कों का काम होगा पूरा। बिहार का पथ निर्माण विभाग लगातार सड़क के जाल बिछाने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना की 30 सड़क और रेल परियोजनाएं 2024 तक पूरी कर ली जाएंगी। इसके निर्माण में पटना और आसपास के इलाके के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। साथ ही इन क्षेत्रों का विकास भी तेजी से होगा। लंबे समय से नेवरा दनियावा रेलखंड के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला लंबित था, जिसे पूरा कर लिया गया है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की समीक्षा में इन परियोजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बाढ़ से बख्तियारपुर नई बड़ी रेल लाइन निर्माण परियोजना में 6 गाँव की 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है। आज भी तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। मंगलवार को राज्य के 26 जिलों में हल्की एवं मध्यम स्तर की वर्षा हुई। इस दौरान सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में हुई। वहीं आज यानी बुधवार की बात करें तो पटना मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद आज बिहार के सभी जिलों में देर शाम तक वर्षा होने का पूर्वानुमान है। लेकिन उत्तर बिहार सहित दक्षिण पूर्व बिहार के कुल 25 जिलों में मध्यम स्तर की बारिश या भारी बारिश होने की संभावना है। इनमें कई जिलों में वज्रपात गिरने की भी संभावना है। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर शामिल है। इन जिलों के अलावा पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया भी शामिल है। पटना के बाद इस जिले में भी मिला मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीज। कोरोना का खतरा कम हुआ नहीं कि अब मंकी पॉक्स का खतरा सताने लगा है। यह संक्रमण एक देश से लेकर दूसरे देश में फैलते हुए भारत तक पहुंचा। अब एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए इसका बिहार में भी दस्तक देने की आशंका गहरा गई है। राजधानी पटना के बाद अब नालंदा के राजगीर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल लेकर जाँच के लिए पुणे भेजा है। सिविल सर्जन के मुताबिक यह चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स भी हो सकता है। मंकी पॉक्स की संभावना कम है क्योंकि पीड़ित युवक का कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, यह राजगीर का ही रहने वाला है। गलत तरीके से बिहार में यूरेनियम की खेप लाने की कोशिश में 11 अफगानी गिरफ्तार। बिहार और नेपाल की खुली सीमा का फायदा तीसरे देश के नागरिक उठा रहे हैं और इसी आड़ में अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल नेपाल बिहार बॉर्डर पर यूरेनियम की बड़ी खेप लाने की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर लिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के तस्कर भारी मात्रा में यूरेनियम भारत लाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम किया। घटना के बाद नेपाल बिहार बॉर्डर की सख्ती बढ़ा दी गई है। विराटनगर में सुरक्षा बलों ने 11 अफगानी और 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए 6 अफगानियों के पास से भारत का फर्जी आधार कार्ड भी मिला है।
इस दिन तक 27 ट्रेनों का रूट बदलकर किया जाएगा परिचालन। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, लखनऊ मंडल के अकबरपुर गोसाईगंज स्टेशनों के बीच दोहरीकरण को लेकर TNI या NI काम होने हैं। ऐसे में बिहार को आने वाली और बिहार से जाने वाली कई ट्रेनें इस रूट से डाइवर्ट होकर चलेंगी। वहीं 4 अगस्त तक यह ट्रेनें अलग अलग तिथियों में मार्ग बदल कर चलाई जाएंगी। इनमें कोटा पटना सहित कुल 27 ट्रेनें शामिल हैं। हमें खेद है कि समय के अभाव में सभी ट्रेनों का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। स्वास्थ्य मंत्रालय का उद्देश्य एनीमिया के प्रसार को 3% तक किया जाएगा कम। राज्य में साल 2025 तक एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए रणनीति बना रही है, जिस पर काम चल रहा है। उक्त बातें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कही है। उन्होंने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन को मजबूत करने का निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिया गया है। विभाग ने आयरन फोलिक एसिड टैबलेट एवं सिरप का 100% वितरण सामुदायिक उत्प्रेरकों के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं द्वारा कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत सभी आयु वर्ग के बच्चों, किशोरों, गर्भवती एवं प्रजनन आयु वर्ग के लोगों में प्रति वर्ष 3% एनीमिया के प्रसार को कम करना उद्देश्य है। औद्योगिक निवेश योग्य 1 एकड़ जमीन की आवंटन प्रक्रिया अगले माह से होगी शुरू। बिहार उद्योग मंत्री आए इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हो रहे हैं और उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस बीच उद्योग विभाग ने करीब 3000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। इसमें सबसे अधिक जमीन 2400 एकड़ चीनी मिलों से ली गई है। इसमें 1800 एकड़ से अधिक भूमि पर निवेश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा चुका है। ऐसे में बिहार में निवेश के द्वार खुल सकते हैं। वहीं बिहार में औद्योगिक निवेश योग्य 3000 एकड़ जमीन के लिए नए दर से आवंटन की प्रक्रिया अगले माह अगस्त से शुरू हो जाएगा। वज्रपात की वजह से गई 20 लोगों की जान, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। बीते दिन हुई आफत की बारिश ने बिहार में कई मासूमों की जान ले ली। उत्तर बिहार के कई स्थान पर बारिश और वज्रपात की वजह से 20 लोगों की जान चली गई। हालांकि यह आंकड़ा सोमवार शाम से लेकर मंगलवार तक का है। वज्रपात की वजह से लोगों के जान गंवाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवार के वो साथ हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है। वेटलैंड को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इन जिलों का हुआ चयन। बिहार का पर्यटन विभाग अब वेटलैंड को भी पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की पहल कर रहा है। इसके लिए राज्य के करीब 11 जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। वेटलैंड से ही नदियां, तालाब और कुएं सहित ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। फिलहाल ऐसे 64 वेटलैंड की पहचान कर तैयारी की जा रही है। ये सभी वेटलैंड वैशाली, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, भोजपुर और बक्सर जिले में है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स के बड़े उद्योगपतियों ने बिहार टेक्सटाइल पॉलिसी को बताया बेस्ट। बिहार में उद्योग का हब बनाने के लिए बिहार का उद्योग मंत्रालय प्रयासरत है। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन देर शाम दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर्स की मीटिंग की। यह मीटिंग हैदराबाद, लुधियाना की तरह ही सफल रही। बीते दिन दिल्ली में हुए बिहार इन्वेस्टर्स मीट में टेक्सटाइल और गारमेंट्स के देश की टॉप कंपनियां और एक्सपोर्टर्स शामिल हुए। इन्वेस्टर्स मीट में राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक शामिल हुए। वहीं टेक्सटाइल और गारमेंट्स के बड़े उद्योगपतियों ने अन्य कई राज्यों द्वारा लाई गई पॉलिसीज की तुलना में बिहार की टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को देश का बेस्ट बताया है। लालू के करीबी व पूर्व विधायक पर CBI का शिकंजा। राजद सुप्रीम को लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले और पूर्व RJD विधायक भोला यादव के घर में आज CBI ने रेड डाला है। आपको बता दें कि मामला नौकरी के बदले जमीन और IRCTC स्कैम का है। इस मामले में भोला यादव को हिरासत में भी ले लिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 दिन पहले CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वही खबर लिखे जाने तक उनके दिल्ली, दरभंगा और पटना स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। इसी मामले में CBI ने जांच के बाद पिछले दिनों लालू यादव, राबड़ी देवी, मिसा यादव, हेमा यादव और कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर केस दर्ज किया है। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर तिल मिलाई सत्ताधारी जदयू।
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष और द्रमुक नेता एम अप्पावू के एक बयान ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है। इस बयान से सबसे ज्यादा आहत सत्ताधारी जदयू हुई है। हालांकि यह बयान एक महीने पहले का है, जहां तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि कैथोलिक ईसाई नहीं होते तो तमिलनाडु बिहार की तरह हो जाता। उनके इस बयान पर बिहार के सत्ताधारी दल के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वह तो बिहार को किसी से कम नहीं मानते हैं। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने डीएमके नेता के इस बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, बिहार आकर उन्हें जानकारी लेनी चाहिए। जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार तो जो काम कर रहा है, कई राज्य आज उसका अनुकरण कर रहे हैं। लॉर्ड्स में होगा 2023 और 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2023 और 2025 के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन होगा। आईसीसी ने बर्मिंघम में हुए अपने सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर मुहर लगा दी है। इससे पहले 2021 में ही इंग्लैंड में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया था और अब अगले दो फाइनल भी इंग्लैंड में खेले जाएंगे। वहीं वीवीएस लक्ष्मण और डेनियल विटोरी को आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी में प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। आईसीसी बोर्ड ने इसके अलावा 2023 से लेकर 2027 तक के एफटीपी को भी मंजूरी दे दी है और आने वाले दिनों में कैलेंडर भी पब्लिश हो जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, गोल्डन कुमार, धनंजय सिंह, मनीष कुमार, हरिकांत पासवान, तपेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कुमार, रेणु कुमारी, राकेश कुमार, भान प्रकाश मौर्य, राजकुमार प्रसाद, निशा कुमारी, शंकर मुखिया और अनमोल पुष्कर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि विश्वविद्यालयों के लेट सेशन की वजह से विद्यार्थियों को क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।